सुनिए हरिजन राम कहानी। सुनिए हरिजन राम कहानी, राम कहानी जग कल्याणी। वाल्मीकि के बाद अन्य भी बहुत सी रामायण लिखी गई। आज लगभग 18 रामायण उपलब्ध है। विदेशों में भी रामायणों का प्रचलन हुआ। एक तिब्बत की रामायण है, एक खोतानी रामायण है, दक्षिण भारत में भी कंब रामायण, और उत्तर भारत में तो सबसे अधिक प्रचलन तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस का है। इसके सिवाय बौद्ध धर्म के मतावलंबियों में जातकट्ठ वर्णना, लंकावतार सूत्र ऐसी रामायण प्रसिद्ध है, और जैन शासन को मानने वालों में भी पौनचर्य और पद्म पुराण, उत्तर पुराण की रामायण, इसके सिवाय रामचरित नाम का भी एक ग्रंथ है। और फिर संक्षिप्त रूप में तो अपन गिन नहीं सकते कितने कितने ऐसे साहित्य रचे गए हैं श्री राम के ऊपर। महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश काव्य की रचना करके उसमें श्री राम का वर्णन किया है। जैन रामायण में भगवान राम के चार पुरुषार्थ दर्शाए गए हैं। चार आश्रमों की भारतीय संस्कृति में बड़ी पुरानी व्यवस्था है। देखिए, चार की संख्या का कैसा संयोग है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार
भाई थे और भारतीय संस्कृति के चार आश्रम भी आपने सुने होंगे। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी जीवन तक भारतवासी ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। आज तो संस्कृति मिश्रित हो चुकी है न। ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है जो रामचरित के माध्यम से आपको सुनने मिलेगा। दूसरा चरण है गृहस्थ आश्रम। वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैवाहिक जीवन की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में थी। विवाह सुख का साधन नहीं था, किंतु योग्य संतान को जन्म देकर संस्कृति को आगे बढ़ाने का साधन था। और तीसरा चरण है वानप्रस्थ आश्रम। जब संतान योग्य हो जाती है तब माता पिता धर्माराधना की ओर विशेष ध्यान देते हैं। कारोबार संतान संभाल लेती है और माता पिता धर्म ध्यान में अपना समय बिताने लगते हैं आगे की साधना बढ़ाने के लिए। और अंतिम चरण था संन्यास आश्रम। तो भगवान राम के जीवन में इन चारों चरणों का योग अपन देखते हैं। और इसके सिवाय चार पुरुषार्थ भी जगत में प्रसिद्ध हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुण्य कार्य करना, परोपकार दान आदि सेवा आदि। अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका के साधन जुटाना और वह भी न्यायपूर्ण साधन जुटाना, अनीतिपूर्ण साधन नहीं। और काम पुरुषार्थ का अर्थ है ऐसे योग्य संतान को उत्पन्न करना जो देश के गौरव को बढ़ा सके। और संतान जब मां के गर्भ में आती है तभी से मां उसको संस्कारित करती है। अभिमन्यु का तो आपने वृत्तांत सुना होगा। सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु था तब अर्जुन ने जो वार्ता की थी उसको अभिमन्यु ने ग्रहण कर लिया था। जाने अनजाने में माता पिता के एक एक संस्कार बालक अंगीकार करता है। और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, कि जहां इस जगत के जंजाल से ऊपर उठकर एक ऐसा अनोखा प्रयास किया जाता है कि सारे बंधन टूट पड़ते हैं। ये समय जो व्यतीत हो रहा है अपने जीवन का, इसको कोई लौटा नहीं सकता। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? कोई नहीं लौटा सकता। आप अपनी लाखों की संपत्ति भी अगर दे दो तो भी जीवन की बीती हुई घड़ियां कभी लौटने नहीं वाली। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में आया, साथ में क्या जाएगा?
धरा पे सब धरा रह जाएगा। कौन जाने किस डगर पर धड़कने रुक जाएंगी। कौन जाने किस डगर पर धड़कने रुक जाएंगी। जिंदगी का क्या भरोसा एक दिन लुट जाएगी। आज कल था कल बनेगा यूं उम्र ढल जाएगी। जाग जा अब भी मुसाफिर यह घड़ी कब आएगी। मनुष्य हमेशा अपने आप को कुछ न कुछ समझता रहता है और इसीलिए उसको कभी सत्य के दर्शन नहीं हो पाते। वास्तव में वह अपने आप को जो समझ रहा है वो है नहीं, जो दिखा रहा है वो कुछ और है और जो है वो कुछ और ही है। इसलिए राम कथा के माध्यम से अपने हृदय में राम राज्य बसाना है, क्योंकि अभी तो मुंह में राम और हृदय में रावण वाली स्थिति है। मैं न कुछ कुछ भी न मेरा, मैं न कुछ कुछ भी न मेरा, जब समझ में आएगा। सत्य का शाश्वत खजाना तब स्वयं मिल जाएगा। उच्च कोई तब नजर राजा दशरथ के बेटे और एक सीता थी जनक की पुत्री। इनका विवाह संबंध हुआ और राज तिलक के समय भाग्य ऐसा पलटा कि राज्य राम की बजाय भरत को मिला और राम अयोध्या छोड़कर चले गए दंडकारण्य में। रावण ने सीता का हरण कर लिया और उसके बाद सुग्रीव हनुमान से राम का
मिलाप हुआ और फिर दूत के रूप में हनुमान को रावण के यहां भेजा। रावण तस से मस नहीं हुआ, विद्वान था, पंडित था, समझदार था, पराक्रमी था, साहसी था और तीन खंड का स्वामी भी था, लेकिन अंततः अहंकार ने उसको धराशायी कर दिया। राम नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं था, विवश होकर युद्ध करना पड़ा। लक्ष्मण तो बार बार उत्कंठित होते थे कि कब सामने आ जाए, लेकिन राम कहते थे कि लक्ष्मण युद्ध की कामना मत करो, क्योंकि युद्ध में हमेशा हानि अधिक और लाभ कम होता है। फिर भी युद्ध हुआ और सत्य की विजय हुई। इस प्रकार की कथा चलती है, पर आज तो ये एक भूमिका मात्र थी। महान चरित्र का पूर्ण कथन असंभव है, तो भी कुछ प्रसंग यहाँ ऐसे दिए जाएंगे जो हम सब के जीवन का उत्थान कर सके। अंत में एक कीर्तन के साथ आज के इस धर्मोपदेश को संपन्न किया जाता है। राम 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 बोलो, जय जय राम बोलो, हनुमान के राम,
राम कहानी जग कर